गोड्डा में मेडिकल की छात्रा का शव मिलने का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि चतरा में भी एक नाबालिग छात्रा का शव संदिग्ध अवस्था में तालाब से तैरता हुआ बरामद किया गया है। बच्ची 6 दिनों से लापता थी। इस बाबत में परिजनों ने गिद्दौर थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। लड़की के पिता ने रूपिन डढ़ुआ के राहुल यादव नामक युवक पर अपनी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस अपहरित लड़की की बरामदगी के लिए 3 दिनों से लगातार सभी संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को दत्तवा तालाब में शव होने की सूचना मिली।